ब्रज के बड़े बड़े प्रसिद्ध संत कहिए, गृहस्थ कहिए, भक्त कहिए, कुम्मन दास जी का गांव जमुना बतो। जमुना बतो का मतलब है जमुना जी के किनारे से, किनारे पर होगा, इसलिए उसका नाम जमुना बतो हुआ है। जमुना के पास वाला जमुना बतो। पहले उस काल में यमुना जी की तीन धाराएं बहा करती थी, तो उस समय यमुना जी की तीन धाराएं ब्रज में प्रवाहित होती थी। यमुना जी के नाम पर ये गिरिराज जी की पूर्व दिशा में बहती थी। कालिंदी जो ये मथुरा से होकर जो निकलती थी, इसका नाम था कालिंदी। कालिंदी कूल कदम्ब की डार, ये कालिंदी है। जो गिरिराज जी के सामने से बहती थी वो यमुना बतो है। आज भी उस गांव में देखेंगे बालू निकलती है। और तीसरी थी स्वर्ण रेखा, ये कामबन से चलती है और ये गिरिराज जी में आकर यमुना जी में मिल जाती है। तो जिस जगह उद्धव और गोपी वार्ता हुई है वहाँ यमुना जी का फांट है, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा यमुना जी का फांट है, बालू थी, सारा का सारा होता। तो ये जो जमुना बतो गांव है कुम्भन दास जी का, इस गांव में दो महापुरुष हुए, कुम्भन दास जी और इनके बेटे चतुर्बुद्ध दास जी। दोनों ही एक से बढ़कर एक भगवान के भक्त थे। चतुर्बुद्ध दास जी तो भगवान के सुबल सखा के अवतार थे, और जो अनुभूतियाँ कुम्भन दास जी को होती थी, जो दर्शन कुम्भन दास जी को होते थे, वही दर्शन चतुर्बुद्ध दास जी को भी होते थे। और ये दोनों ही महापुरुष, वल्लभाचार्य जी ने भी और विट्ठलनाथ जी ने भी, भगवान के जो अष्ट कवि थे, अष्ट छाप के जो कवि थे, उनके जो कीर्तन करते थे, ठाकुर जी को सुनाते थे, पिता पुत्र दोनों ही एक स्तर के थे। तो ये जमुनावती गांव में जन्मे, और इसलिए भी इस गांव का नाम जमुनावती हुआ है कि गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान ने रास किया, रास कोई केवल ये वृंदावन इतना ही वृंदावन नहीं है, ये 20 कोस का वृंदावन है। वृंदावन, गोवर्धन और ये पूरा का पूरा जो चक्र है, ये पूरा का पूरा ये वृंदावन है 20 कोस का। तो वहाँ जब रास हुआ था, जब महारास हुआ था शरद पूर्णिमा को, तो यमुना जी गोपी रूप धारण करके उस रास में शामिल हुई थी। और जब ये नई गोपी आई तो श्री जी ने यमुनावती करके ही इसको संबोधित किया, आओ यमुनावती, रास में तुम्हारा स्वागत है। तो उन्हीं के नाम से उसी स्थल पर यमुना जी प्रकट हुई थी, जो वहीं यमुना जी बह रही थी, तो इसलिए उस गांव का नाम यमुनावती हुआ। ठाकुर घर में जन्मे थे, किसान परिवार था, छोटी सी खेती थी, बड़े भक्त थे, बचपन से पार्षद थे, बच्चे बहुत थे, परिवार बहुत बड़ा था, सूखा ब्रज, वर्षा होती नहीं थी, खारे खेत, तो जैसा तैसे जौ हो गई, बाजरा हो गया, बाकी तो जैसे तैसे गरीबी में गुजारा करते थे। लेकिन संगीत के बहुत अभ्यासी थे, संगीत विशारद थे, बहुत इनका संगीत, जब ये गाते थे तो हवाएं रुक जाती थी, पशु पक्षी भी चहकना बंद कर दे, ऐसा सुंदर संगीत गाते थे। वल्लभाचार्य जी ने इनको संगीत के लिए, भगवान के सामने कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया हुआ था। जब वल्लभाचार्य जी गोवर्धन आए थे, तब वल्लभाचार्य जी का जब ये दर्शन करने गए और इन्होंने एक पद सुनाया, तो उसी समय वल्लभाचार्य जी ने अपने श्री चरणों की शरण में बिठा लिया और श्रीनाथ जी की सेवा अर्पित कर दी। तो ये थे संगीत, इनके संगीत की गूंज अकबर दरबार में भी पहुंची थी, दिल्ली तक गूंज थी इनके संगीत की। अकबर वैसे तो शासक और प्रकार का ही था, नीतिज्ञ बहुत था, लोभ लालच से वो, जैसे औरंगजेब ने तलवार के बल पर धर्मांतरण किया, ऐसे उसने लोभ लालच, राज्य का भय देकर, पद आदि देकर, उससे भी उसने वही काम किया जो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब की क्रूरता चूंकि दिखाई देती थी, इसकी क्रूरता मीठी थी, दिखाई नहीं देती थी, इसलिए आपको अनुमान नहीं आएगा। लेकिन उसने जितना हिंदू समाज का अहित किया है, सारे राजस्थान के बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को राज्य का लोभ दे देकर, उनकी बेटियों से विवाह करके, संबंध स्थापित करके, पूरे राजस्थान के ठाकुरों को, चौहानों को, गहलोतों को उन्होंने कितना परिवर्तित किया है।
तो ये जो अकबर था ये बहुत मीठा जहर था, अंदाज नहीं आने दिया, देश में इसका विरोध भी नहीं हुआ और इसने भारत की सभ्यता संस्कृति और हिंदू समाज का बहुत बड़ा अहित किया है। इसने वो मीठा विष लोभ लालच का भर दिया जिसके कारण से बड़े बड़े राजे महाराजे और उसके अधीन हो गए। तो अकबर को जब पता लगा कि कोई ब्रज में गिरिराज में कुंभन दास हैं तो उसने ये फतेहपुर सीकरी किला बनवाया था आगरा में, उसका उद्घाटन समारोह था, उसमें बड़े बड़े विद्वान और संगीतज्ञ बुलाए हुए थे। तो ये निर्णय हुआ कि इसमें कुंभन दास जी जरूर आने चाहिए, जब तक वे नहीं गाएंगे तब तक संगीत सभा का कोई औचित्य नहीं है। अब वो कहीं ब्रज से जाते नहीं थे विरक्त महात्मा, तो वहां से अकबर का संदेश लेकर उनका कोई भी सिपहशालार आया तो ये मजबूर हो गए। अब किस कारण हुए, दबाव दिया, आग्रह किया, जो साथ के लोग थे उन्होंने आग्रह, जो भी कारण हो ये अनमने मन से गए। बहुत देर तक वहां चुक गई और भी संगीतज्ञ थे, ये बड़े बैठे बैठे भुनभुनाते रहे, बच्चों कहाँ गया, इस समय में श्रीनाथ जी को भजन सुना रहा होता, ये क्या धर्म विरोधी का चेहरा मुझे देखना पड़ रहा है, बहुत भुनभुनाए हुए थे। जब इनकी बारी आई गाने की तो इन्होंने सारी भड़ास अकबर पे ही निकाल दी। भक्त को सीकरी सो का काम, भक्त को सीकरी सो का काम, भक्त को आवत जात पढ़ई अकबर परे निकाल दे। आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजत, जिसकी सकल देखते ही क्रोध आने लगे, जासो मुख देखत
दुख निकसत ताकू करन पड़ी परिणाम। आखिर उस राज दरबार की मर्यादा तो रुकनी पड़ेगी। कुम्मन दास लाल गिरधर बिन सब सुनो धन धाम। अकबर समझ गया ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो परम सत्ता के चरणों में रहने वाला जीव है। अकबर थोड़ा समझदार भी था, नीतिज्ञ भी था, और बहुत सम्मान से अकबर ने इनको बग्गी में गिरिराज जी पहुँचा दिया। ऐसे जो ठाकुर जी के साथ वार्ता करते थे, व्यवहार करते थे, खेलते थे, लाड़ लड़ाते थे, बिल्कुल साक्षात्कारी महापुरुष कुम्मनदास जी। एक दिन कुम्मनदास जी दोपहर को साधु भोजन करके 12-11 बजे फिर सोता है। साधु का सोना दिन में, इसलिए कि वो 3-4 बजे उठता है तो उसको इतना विश्राम करना आवश्यक होता है, शरीर का धर्म है, तो उसको उत्थापन कहते हैं हम लोग। उत्थापन भोजन करके ठाकुर जी भी शयन करते, स्वामी जी भी शयन करते। तो दोपहर के शयन के बाद फिर साधु स्नान करता है, ये नियम है। स्नान करके फिर तिलक स्वरूप करता है, उसके बाद ठाकुर जी को जगाता है, उत्थापन कहते हैं उसको। कुछ कुछ फल आदि का भोग लगाता है, उसको कहते हैं उत्थापन भोग। तो स्नान करके आए और बैठे ही थे कुम्भनदास जी अपनी कुटिया में, छोटा सा छोम झोंपड़ी जैसा, ब्रज में पहले झोंपड़ियाँ ही होती थी, और नदी के किनारे का गांव, बाहर कब बहा के ले जाए कुछ पता तो था नहीं। झोंपड़ी वो बह गई, तिरछी हो गई, फिर सीधी कर लेते थे बाढ़ के बाद। मकान तो कच्चे होते थे, चले गए तो चले जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। तो ऐसे भगवान आके बैठ गए, कुम्भनदास जी तिलक और वो करने के लिए बैठे थे स्नान करके, और एकदम भगवान गोद में आ गए, शीना जी आ गए। कुम्भनदास एक बात कहूं, इन्होंने कहा कहो प्रभु। इतना ही बोल पाए थे कि द्वार पर भगदड़ सी हो गई, भीतर निरी पुलिस निरी सैनिक दौड़कर किसी ने कहा कि महाराज मानसिंह आपसे मिलने आ रहे हैं। तो जैसे ही कहा कि वो महाराजा मानसिंह आ रहे हैं, आ चुके हैं द्वार पर, ये भगवान गायब हो गए। कुम्भनदास जी को बड़ा क्रोध आया, बच्चों ऐसे समय में आए मरो जी। मानसिंह महाराज के आने का प्रसन्नता कम, उनको भगवान के जाने का रंज बहुत व्याप गया, और यही मन में सोचने लगे कि पता नहीं क्या कहते ठाकुर, क्या कहते श्रीनाथ जी, क्या कहते। चले अंदर आए, वो औपचारिकताएं तो करनी पड़ती, आई महाराज बैठी, आसन आसन दिया, बातचीत हुई, लेकिन भीतर से बड़ी ग्लानी में थे। बार 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 मन का छोड़ता था, पता नहीं ठाकुर क्या कहते, ठाकुर क्या कहते, ठाकुर क्या कहते। तो बोले अब चूंकि ठाकुर जी के उत्थापन का भी समय था, तो उनकी भतीजी थी, बोले लाली आरसी और आसन ले आ। वहीं से भले गांव के लोग, ठाकुर गांव के लोग थोड़े जोर से बोलते, लाली आरसी और आरसी माने शीशा और आसन, चूंकि तिलक लगाना है तो देख रहे, आरसी और आसन ले आ। माने भीतर ते ही बोल दियो, पिताजी आरसी पड़िया पी गई और आसन को पटरा खाए गो। अभी इनकी तो कुछ समझ में नहीं आया, दूसरों लाए रही हूं। तो थोड़ी देर में वो कूड़ा में पानी भर लाई। पहले ब्रज में शीशे नहीं होते थे, गांव की माताओं को बाल हाथ काटने होते थे मांगू, तो वो थाली में बर्तन में पीतल के में या कांसे के में पानी भरती थी, उसमें देख के सब किया जाता था। ये हमारे समय में भी महात्माओं के पास शीशे नहीं होते थे, तो जल में से ही वो खड़े होके ऐसे वो तिलक लगा ले, जल में परछाई बहुत साफ आया करती है। तो जब वो कुएं में पानी भर के लाई और घास का आसन लेकर आई, तब मानसिंह समझे आरसी माने ये और घास का आसन पड़ रखा है वो, तो वो दूसरों ऐसे करके ले आई। तो मानसिंह को लगा इतने बड़े पहुंचे हुए महापुरुष ठाकुर जी से साक्षात्कार करते हैं और वल्लभाचार्य जी के बिल्कुल निकटतम व्यक्ति हैं, शीशा नहीं है। तो इन्होंने सोने से मढ़ा हुआ एक शीशा सेवक से कहा, तो राजा महाराज सब रहता ही है, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो गेस्ट हाउस में टिकना है तो कितना सामान रख के ले जाते हैं, और शीशा है, कंग है, ये है, लेके जाते हैं कि नहीं जाते। तो महाराज ये लीजिए। अरे नहीं राजन, गांव में रहते हैं, झोंपड़ी का वास है, अब इसी में दिमाग लगा रहेगा, कोई चुराने ले जाए चुराने ले जाए, जो कर रहे वो भी छूट जाएगा, हमारा काम चल रहा है, इसे तो सब ठीक चल रहा है।
महाराज ने 1000 सुवर्ण की मोहरें भेंट में साधु के पास जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, तो रखी राजन ये इसकी जरूरत नहीं है, खेतीबाड़ी ठीक चलती है, अपनी गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही है, ये बिछड़ा वापस कर दिया। फिर मानसिंह जब चलने लगे तो हाथ जोड़ कर बोले, महाराज मेरे लायक फिर कोई और सेवा बताइए। बोले राजन बस प्रेम बनाए रखिए, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा आना जाना मत करिए, चूँकि पुलिस वुलिस आपके साथ बहुत आती है, विक्षेप होता है, सब लोग हम लोग डर जाते हैं, बस ठीक है। चूँकि उनको तो वो विरह भी आप रहा था, ठाकुर क्या कहता, ठाकुर क्या कहता, और जैसे ही राजा गए भगवान फिर गोदी में आके बैठ गए। तो कुंभन राज जी ने पूछा कि प्रभु आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे मैं यही तो कहने वाला था कि मानसिंह आने वाला है, वो कुछ देने की बात करेगा, मना मत करना, ले लेना। तो कुंभन दास जी बोले, भगवान आपके साथ रहने वाला एक राजा की भीख स्वीकार करेगा, ये शोभा देता है। इतने विरक्त महापुरुष थे कुंभन दास जी, बड़ी गरीबी थी। एक बार विट्ठलनाथ जी ने सोचा कि वैसे तो कुछ लेंगे नहीं, इनको किसी प्रकार कुछ भेंट करवा दी जाए। तो उन्होंने द्वारका तक की एक यात्रा का आयोजन किया कि चलो श्रीनाथ जी को द्वारका तक लेकर चलते। तो यात्रा जगह जगह रुकती जाती है, कीर्तनादक और बड़ा बड़े महापुरुष थे वो, तो सोचा कि उसमें ये कीर्तन करेंगे, गीत भजन गाएंगे, तो कुछ लोग इनको चढ़ाएंगे भेंट, तो हमारे देने से तो लेंगे नहीं, तो उस भेंट को स्वीकार कर लेंगे, गृहस्थी चल जाएगी। उन्होंने आग्रह किया, हाँ तो कर दिया, जो गुरुजी की आज्ञा थी, मना तो नहीं किया। लेकिन श्रीनाथ जी को छोड़कर, वहाँ गिरिराज जी को छोड़कर जाना बहुत कसक गया, और 2-3 दिन तो साथ रहे। फिर एक दिन पद सुना रहे थे, विट्ठलनाथ जी दूर बैठे सुन रहे थे, पद गाया, कितेक दिन है जो गए दिन बीते, इतने दिन हो गए दर्शन नहीं, बिना देखे प्रभु गिरिराज जी, कितेक दिन है जो गए बिना देखे। समझ गए विट्ठलनाथ जी, समझ गए ये व्रत छोड़ने को तैयार नहीं, गिरिराज छोड़ने को तैयार, वापस कर दे। और इतने गरीबी का जीवन जीने के बाद गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना समर्पण। विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन पड़ा, उस समय जन्मदिन के समय वो गोकुल में थे, तो गिरिराज जी में जो भी सेवादार आदि जो कुछ भी थे, उन्होंने सबने तय किया कि गोसाई जी का यहाँ भी हम लोग धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। तो केले के पत्ते, आम के पत्ते आदि में तो कुछ खर्चा होता नहीं है, तोरण द्वार ये वो सब बना दिए, ठाकुर जी का जो श्रृंगार होता है बढ़िया कर दिया, लेकिन प्रसाद क्या भोग लगे। तो सबने कहा भाई जलेबी जो है, इस सबको और श्रीनाथ जी को जलेबी बहुत पसंद है, जलेबी भोग। तो चंदा किया, किसी ने 2 पैसे, किसी ने 10 पैसे, किसी ने, उस समय कुछ होता भी नहीं था। तो कुंभन दास जी तो बड़े गरीब थे, अब इनमें पैसा वैसा तो था नहीं, तो इन्होंने गुरु जी की सेवा के लिए उस समय 5 रुपए में अपनी एक पड़िया और एक पड़रा, ये दोनों बेच दिए कि अभी गुरु जी का बढ़िया सा भंडारा हो, बढ़िया सा प्रसाद बने, गुरु जी का उत्सव, ये तो पड़िया पड़रा तो उन्हीं की कृपा से थी, फिर आ जाएंगे। तो बढ़िया जन्मोत्सव मनाया, बहुत अच्छा सब कुछ प्रसाद बटा। शाम को विट्ठलनाथ जी आए, गिरिराज जी में आए, तो देखा उत्सव, बोले ये, बोले हाँ महाराज आज सरकार का जन्मोत्सव था, तो हम लोगों ने थोड़ा खुशी जाहिर की, ये सब लोगों ने किया। और बोले जलेबी भोग ये कैसे हो गया? बोले इन्होंने इतना दे दिया, इन्होंने दे दिया, कुंभन दास जी ने 5 रुपए। कुंभन दास 5 रुपए, इन पर 5 रुपए कहाँ आ गए? तो किसी ने धीरे से कह दिया कि कुंभन दास जी ने आज अपना एक पड़रा और एक पड़िया बेचकर 5 रुपए आए थे, वो लगा दिए, उसी का शेयर बड़ा है उन्होंने किया। ओह, विट्ठलनाथ जैसे महापुरुष उठे और एकदम कुंभन दास जी को छाती से लगा दिया, बहुत रोए, इतना भाव, इतनी गरीबी, घर में एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय का पता नहीं है, इतनी घोर गरीबी का जीवन जीने वाला भी गुरु की इतनी भक्ति। तो ऐसे
उच्च स्तर के श्रीनाथ जी से नित्य जिनके वार्तालाप हुआ करते थे, हमेशा 115 वर्ष की आयु में कुंभन दास जी का शरीर पूरा हुआ संकर्षण घाट पर